हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। नीट पीजी 2021 का जो स्कोर कार्ड था, इसमें टेपिकली एरर के वजह से इसको फिर से री डाउनलोड करने की फैसिलिटी ओपन कर दी गई है एनबीए की तरफ से, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है स्कोर कार्ड, ये मैंडेटरी है। इसी स्कोर कार्ड से आपको नेक्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस होंगे। इसमें जो टेपिकली एरर थे वो था आपको क्वालिफाइंग स्कोर को लेके, जिसमें ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो क्वालिफाइंग स्कोर था वो 265 था, जिससे टिपिकली एरर की वजह से इसे 263 शो कर रहा था। इसी को बस चेंज की गई है और कोई खास चेंजिंग नहीं है। कोई खास आपको ना ही कटअप, ना ही आपको रैंक में कोई अंतर देखने को मिलेंगे, ना ही आपके रोल नंबर में, ना ही किसी तरीके के कोई और आपको एडिट मिलेंगे, ठीक है, कोई चेंजिंग मिलेंगे। बस आपको यही टिपिकली जो एरर थे क्वालिफाइंग स्कोर के लेके ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, जो पिछले बार जो क्वालिफाइंग स्कोर शो कर रहा था स्कोर कार्ड पे वो 263 दिखा रहा था, लेकिन इसी को एडिट करके एनबीई ने 265 कर दिया है, जो कि टिपिकली एरर की वजह से शो कर रहा था। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्कोर कार्ड को आपको डाउनलोड करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप इसे डाउनलोड नहीं करते हैं तो आने वाले काउंसलिंग में आपको नुकसान हो सकता है, जो सीट आपको अलॉट हो जाएगा, और यदि आप पुराने वाला स्कोर कार्ड लेके जाते हैं तो उस समय वो सीट कैंसिल कर दी जाएगी। इसलिए इस स्कोर कार्ड को डाउनलोड करके हो सके तो आप ड्राइव में सेव कर लीजिए या 3-4 प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ताकि अगर एक स्कोर कार्ड आपसे गुम हो जाती है तो, क्योंकि बाद में आप फिर से दोबारा स्कोर कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसे ड्राइव में सेव कर लें या फिर डाउनलोड करके 3-4 रख लें। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।